नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तेज प्रताप यादव की तरफ से कही गई बातों का खंडन खुद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया है। आपको बताएं कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के ऊपर इस बात का आरोप लगाया था कि दिल्ली में लालू यादव को बंधक बनाया गया है और उन्हें पटना नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन इस सबके बीच खुद लालू प्रसाद यादव जब वर्चुअली माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से जुड़े, उनसे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इस वक्त डॉक्टर की सलाह पर वो दिल्ली में रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि वो पटना आना चाहते हैं, यहां आकर बिहार की जनता से मिलना चाहते हैं, अपने नेता और कार्यकर्ता से मिलना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें आने की जो परमिशन है वो नहीं दे रहे और डॉक्टर की निगरानी जो है वो लालू प्रसाद यादव पे बनी हुई है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव पटना के लिए नहीं आ सकते। आपको बताएं कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव की तरफ से लालू यादव को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए, इतना ही नहीं तेज प्रताप यादव ने तो यह तक कह दिया कि आरजेडी के 5 ऐसे बड़े लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और यही वजह है कि लालू यादव को जबरदस्ती दिल्ली में बंधक बनाया गया है। आपको बताएं कि कई तरह के बातों का खुलासा करते हुए तेज प्रताप यादव की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि लालू यादव को दिल्ली में जबरन बंधक बनाकर रखा गया और यही वजह है कि बिहार की जनता से लालू यादव को नहीं मिलने दिया जाता है। लेकिन इस सबके बीच इन सभी बातों का खंडन खुद लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया। बता दें कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जब लालू प्रसाद यादव वर्चुअली माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत कर रहे थे, उन्हें टिप्स दे रहे थे, साथ ही साथ राजनीति किस तरह से की जाती है इसको लेकर बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जल्द ही वो पटना आएंगे क्योंकि उन्हें इस बात का इंतजार है कि कब डॉक्टर्स उन्हें आने की सलाह देते हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने खुद सामने आकर इन सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि मुझे कोई भी बंधक नहीं बना सकता, डॉक्टर्स की सलाह पर मुझे मजबूरन दिल्ली में रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं भी पटना आना चाहता हूं, आप लोगों से मिलना चाहता हूं, बिहार की जनता से मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, मैं लगातार डॉक्टर के निगरानी में हूं, डॉक्टर की तरफ से मुझे कई तरह की सलाह दी जा रही है, जो पानी पीने की बात भी उनकी तरफ से कही गई कि डॉक्टर्स मुझे लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए, अपना ख्याल रखिए और यही वजह है कि मैं पटना के लिए नहीं आ पा रहा। यानी कि जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव की तरफ से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया था और सीधे ये कह दिया गया था कि लालू प्रसाद को इन लोगों ने बंधक बना लिया और यही वजह है कि बिहार की जनता से इन सभी लोगों को दूर रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद लालू प्रसाद यादव की तरफ से इन सभी बातों को जो है खंडन करते हुए कहा गया कि मुझे कोई भी बंधक नहीं बना सकता, डॉक्टर की तरफ से जो बातें कही गई है, डॉक्टर की तरफ से जो सलाह दी गई है उसी कारण मुझे मजबूरन दिल्ली में रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्द ही अब पटना आऊंगा और आप सबके बीच आऊंगा, आप सभी से जरूर मिलूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।